हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पलक नोट्स। मेरा नाम पलक मिंडा है, मैं जर्मनी से एक सप्लीमेंट एडवाइजर हूँ। आज का वीडियो है एन एसिटाइलसिस्टीन, वहीं पे ही रुक जाइए। आज से पहले मैंने जितने वीडियोस किए हैं बीमारियों के ऊपर किए हैं, ये पहला वीडियो मैं एक सॉल्ट के ऊपर कर रही हूँ। क्यों? अगर आप ये सीख सकते हो कि क्रोसिन कब यूज करनी है, इबोब्रुफेन कब यूज करनी है, पैरासिटामोल कब यूज करनी है जिसके अनगिनत साइड इफेक्ट्स हैं, आप ये भी सीख सकते हो कि एन एसिटाइलसिस्टीन जिसका शॉर्ट फॉर्म है नैक कब यूज करना है। पता है मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ? क्योंकि मैंने ये सॉल्ट लॉन्च किया था ऑटो इम्यूनिटी के लिए। जिन भी लोगों को थायराइड, स्पॉन्डिलाइटिस, सोराइसिस, कोई भी इम्यून सिस्टम के रिलेटेड दिक्कतें हैं, उनके लिए प्रोडक्ट यूज होगा। बट आज हमारे पास हजारों टेस्टिमोनियल हैं, किसी की थकावट चली गई, किसी का वेट लॉस होने लग गया, स्किन क्लियर होने लग गई, 20 साल पुरानी पिगमेंटेशन चली गई, मूड अच्छा रहने लग गया। एंड ये वीडियो मैंने इसलिए भी बनाया है क्योंकि ये सॉल्ट वायरस के एरा के टाइम पे हम सब डरे हुए वायरसेस से, उसकी रेप्लिकेशन को भी कम करता है, जो कि मैं वीडियो के एंड में समझाऊंगी। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। क्यों शेयर करते हैं हम वीडियो? कौन आगे स्प्रेड करेगा इन्फॉर्मेशन? लोग और ये इंडस्ट्री नहीं चाहती है ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो। आप करोगे इन्फॉर्मेशन स्प्रेड। इसके 7 बड़े बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट, बुढ़ापे को रोकता है। हमारी बॉडी का हर ऑर्गन बुरा हो रहा है। आपकी स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है जो कि बुढ़ापे का सबसे पहले साइन दिखता है। बट हमें ये नहीं दिख रहा है कि लिवर, हार्ट, किडनी, लंग्स, वो भी बूढ़े हो रहे हैं। इसीलिए जब बुढ़ापे में कोई बीमारी लगती है, वो एक फ्लड की तरह फैल जाती है, बॉडी हार मान जाती है। बुढ़ापे का सबसे बड़ा कारण है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। रोज हमारी बॉडी के अंदर, इवन जब हम खा भी रहे हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है बॉडी में। उस स्ट्रेस को कॉम्बैट करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। जो आपकी बॉडी का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है वो है ग्लूथायोन, जो कि आपका लिवर बनाता है। ग्लूथायोन को क्या बूस्ट करता है? यू आर राइट, नैक। सो एंटी एजिंग इज इक्वलिंग टू नैक। नंबर 2, डॉक्टर गैरी गोंजालेस, 40 साल की रिसर्च है उनके पास। वो नैक को म्यूकस थिनर के नाम से जानते हैं। बलगम बनती है, ब्रोंकाइटिस है, कोल्ड, फ्लू, कफिंग, ट्रबल ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत आती है। ट्राई नैक। ये आपकी लिवर और किडनी, जो कि आपकी बॉडी के 2 डिटॉक्स ऑर्गन्स हैं, उनको हेल्प करता है। यही कारण है कि लोगों की पिगमेंटेशन रिवर्स हुई। पिगमेंटेशन होती है जब लिवर की फंक्शनिंग धीरे हो जाती है। क्यों? डाइजेशन अच्छा नहीं है। डाइजेशन नहीं है तो फूड पार्टिकल्स लिवर तक पहुंचते हैं। लिवर का काम है डिटॉक्स करना और हार्मोन्स बनाना, उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। लिवर स्लगेश होने लगता है, वो पिगमेंटेशन के रूप में आपको दिखता है आपकी स्किन के ऊपर। 4, एंग्जाइटी और डिप्रेशन को कम करता है। आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट, उसको बूस्ट करता है नैक, और उससे आप ज्यादा खुश रहने लगते हो। 12,00,000 औरतें मुझे फॉलो कर रही हैं। सिर्फ 2,000 औरतें मेरे साथ एक्सरसाइज कर रही हैं। उनमें और बाकी की लाखों औरतों में क्या फर्क है? अंदर से मोटिवेशन ही नहीं है। नैक खा के देखो, मे भी चीजें बदलने लगे। जितनी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, टाइप 2 डायबिटीज, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, एक्सेस बॉडी फैट अराउंड द वेस्ट, इन सबसे लड़ता है नैक। नंबर 6, ये फर्टिलिटी में हेल्प करता है। कैसे? विमेन्स हेल्थ रिव्यू ने साफ लिखा है कि आप प्रेग्नेंट इसलिए नहीं हो पा रहे हो, या PCOS की प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आपको जो सर्कुलेटिंग इंसुलिन है बॉडी के अंदर, वो इम्बैलेंस हो गया है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है नैक, ये पहला कारण है। दूसरा, जब भी बॉडी के अंदर कचरा बहुत होता है ना, बॉडी फर्टिलिटी साइकिल शट डाउन कर देती है। बॉडी को सेफ नहीं लगता है एक नए जीव को जन्म देना, नर्चर करना। नैक से जब आप डिटॉक्स करोगे, बॉडी के अच्छे से टॉक्सिन्स बाहर जाएंगे, इन्वायरमेंट सेफ हो जाएगा बच्चा पैदा करने के लिए। एंड जो लास्ट है, अगेंस्ट वायरसेस अटैक। जब भी एक वायरस का अटैक होता है, वायरस का काम है रेप्लिकेट करना, जल्दी से जल्दी हर ऑर्गन को अफेक्ट करना। बॉडी का काम है वायरस को शट डाउन करना। कैसे? जब वायरस का अटैक होता है, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं, बॉडी लड़ती रहती है। बट जिस बॉडी में जान नहीं है, वहां पे स्ट्रॉम आ जाता है साइटोकाइंस का, और एक एक करके सारे ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं। नैक वहीं भी हेल्प करती है। कहां मिलेगा आपको नैक? मेरे लिवर डिटॉक्स के कैप्सूल में। इन वायरसेस का फ्यूचर क्या है? ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाले हैं। इनकी म्यूटेशंस होती जाएगी, बट माइल्ड होते जाएंगे। दिस इज द मोस्ट प्रेडिक्टेबल फ्यूचर। अब आप ये डिसाइड कर लो कि जंग यहाँ लड़नी है इनसे डर डर के, या फिर अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना है। इस वायरस ने हमें एक चीज तो शो कर दी है, क्या बॉडी में जान नहीं है वायरसेस से लड़ने के लिए। ऐसे वायरस बहुत आए, हिस्ट्री में बहुत गए। सो गाइस, गेट योरसेल्फ रेडी एंड अपने लाइफस्टाइल को नॉर्मल करो, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाले हैं। अब मैं आपको और नहीं बताऊंगी कि नैक आपके लिए क्या क्या फायदा करता है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और उनको लिवर डिटॉक्स ने हेल्प करी है,
आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, आपकी ड्यूटी बनती है लोगों को बताना कि कैसे नैप ने या फिर लिवर डिटॉक्स के कैप्सूल ने आपको हेल्प किया। प्लीज गाइस कमेंट सेक्शन में लिखो, लोग पढ़ते हैं। एक पे विश्वास करना मुश्किल होता है, हजारों पे आसान होता है। जब हजार लोग एक ही बात कह रहे हैं विश्वास बढ़ता है। थैंक यू सो मच, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। टेक केयर, बाय बाय।